बेगूसराय में यात्री बस से अब शराब तस्कर बैग में छुपाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसका खुलासा बेगूसराय के बलिया पुलिस ने किया है। भागलपुर से बेगूसराय जा रही न्यायरथ बस में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब व बियर का बोतल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 5 बोरा व 4 बैग जब्त किया है, जिसमें महाराष्ट्र निर्मित 50 पीस केन बियर और झारखंड निर्मित 440 पीस देसी शराब के पाउच के साथ 4 मोबाइल, 4 ATM कार्ड व आधार कार्ड बरामद किया है। बलिया DSP अंजनी कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। वहीं बेगूसराय में क्रिकेट खिलाड़ियों ने शहर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। क्रिकेट खिलाड़ियों की मांग है कि पटना का मोइनुल हक स्टेडियम बिहार क्रिकेट संघ को अविलंब वापस दिया जाए। इस मांग को लेकर आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ के द्वारा जिले के सैकड़ों क्रिकेटरों के साथ पूरे शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च ट्रैफिक चौक से होते हुए जो शहर का भ्रमण करते हुए DM ऑफिस पहुंचा और DM को ज्ञापन सौंपा। खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक बिहार सरकार क्रिकेट संघ का को मोइनुल हक स्टेडियम वापस नहीं देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगी। बलिया से कृष्णनंदन सिंह के साथ हरे राम दास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय।